लास्ट क्लास के अंदर जहाँ से हमने लेक्चर को छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे पहले जो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ आज की, तो आज मुझे बता दें कि तंदील प्रेजेंट है, तंदील है, तंदील नहीं आए, मुजफ्फर प्रेजेंट है, मुजफ्फर, अच्छा मुजफ्फर प्रेजेंट है, और हमारे पास जो है वो रदा एब्सेंट है, और अली आए, अली प्रेजेंट है। अली के अलावा जो हमारे पास ताहिर अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ताहिर भी प्रेजेंट है, और बहुत ही सा ताहिर ताहिर और मुहदस अभी प्रेजेंट है, इब्राहिम है, इब्राहिम 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 अभी तक ऑफलाइन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बख्त, बख्त भी नहीं अभी आए, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है वो एक दो तीन चार, तीन स्टूडेंट मैं कर देता हूँ, अभी मैं इनको हटा रहा हूँ, ताहिर को, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर जब हमने टेम्पलेट एडिटिंग कर रहे थे और टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैं वहीं से कंटिन्यू लूँगा जहाँ से हमने अपना लास्ट प्रीवियस जो टेम्पलेट एडिटिंग का पार्ट छोड़ा था, ठीक है। अटेंडेंस मार्क हो गई है और सर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो देख लेंगे कि कौन प्रेजेंट है, तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ताहिर भी आ गए, ताहिर की भी मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस। अच्छा, आप लोगों ने क्लास को, लेक्चर को अटेंड करना है, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के अगर आप चले जाएँ तो फिर उसको कंटिन्यू ना करें, एंड तक, जब तक मैं सेशन को एंड नहीं करता तब तक जब आपने क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। हमारे पास चार स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और चारों की मैंने जब अटेंडेंस मार्क कर दी है, ठीक है। लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपनी टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं जहां हमने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा था। मैंने जो है वो पीएचपी के पेजेस बनाए थे, तो हाँ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम्स है ना, तो इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो मेरे ख्याल में आपके पास पिक्सलेट होगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ है ना, हम सेंटर में नहीं बैठे हुए, हम एफएसओ के अंदर ट्रेनिंग ये दे रहे हैं आपको लेक्चर, तो इस वजह से जो है ना सिस्टम बिल्कुल चेंज है, वो जो हमारे ऊपर सिस्टम होते हैं वो नहीं है, दूसरे सिस्टम में, तो इस वजह से जो है ना वो आपको सही नहीं दिखेगा अभी, ठीक है। अच्छा खैर, और सबसे पहले जब हमने इंडेक्स के पेज को देखा था, ठीक है, इंडेक्स के पेज के अंदर जो है वो मैं खोल लेता हूँ, प्रोजेक्ट मैंने अभी यहाँ पर कॉपी किया, तो index.php का पेज है हमारा, ठीक है। अब हमारे जितने भी पेजेस मैंने पीएचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे, इसके अंदर जो लिंक लगे होंगे वो हमारे लगे होंगे एचटीएमएल के, तो सबसे पहले जब हम इसको टेम्पलेट को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है, हम सर्च करवा लेते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे .html लिंक जहाँ पर लगा हुआ होगा वो कन्वर्ट हो जाए पीएचपी के अंदर। हम index.php के अंदर सबसे पहले क्या करवा देंगे, रिप्लेस, तो हमारे लिंक भी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करवाना ज़रूरी होता है, सो हमारा जो है वो अभी फिलहाल पहला पेज जो है वो सही हो गया। index.php को हम क्लोज कर देते हैं अभी फिलहाल, और index.html को भी क्लोज कर देते हैं। हमारे पास index.html स्टार्टिंग के अंदर है। सेकंड पेज है हमारे पास register.html, तो register.php हम ओपन कर लेते हैं। register.php का पेज हमने बनाया था, ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो गया, और इसके अंदर भी जो है वो हम कंट्रोल एफ प्रेस करके और इसी तरीके से जो इंटरनल एक्सटेंशंस हैं इनको सही कर लेते हैं, ताकि हमारी नेविगेशन जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली हो सके। तो ये दूसरा पेज भी हमारा जो है वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सेट हो गया। अब तीसरा जो पेज है वो हमारे पास है अबाउट का, और अबाउट के अंदर जो है वो हम पीएचपी वाले पेज के अंदर जो है यहाँ पर भी जो है वो तमाम एक्सटेंशन को सही कर लेंगे, फिर हम अपना रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोट करेंगे,
ये हमारा अबाउट का पेज भी जो है इसके अंदर कंट्रोल एफ प्रेस करके जो इसी तरीके से जो है आपने तमाम लिंक्स को सही करना है। कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी का हमारा पेज आ गया, कंट्रोल एफ प्रेस किया मैंने और रिप्लेस ऑल कर दिया। इसी तरीके से तमाम जितने भी हाइपर लिंक्स हैं वो सही हो जाएंगे हमारे। अच्छा ये मेरे ख्याल में गलत पेज के अंदर हो गए, यहाँ पर हम सही कर लेते हैं। कंट्रोल एस कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी। अब इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है वो है हमारा लॉगिन, लॉगिन डॉट पी एच पी। कंट्रोल एफ प्रेस किया और इसी तरीके से रिप्लेस ऑल, कंट्रोल एस सेव कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास मेन्यू डॉट पी एच पी का पेज है, इसको भी हम इसके लिंक्स को सही कर लेते हैं। नंबर दे कर कंट्रोल एफ प्रेस कर और इसी तरीके से रिप्लेस सॉल्व कर दिया। और हमारे पास जो है वो पी एच पी का सिंगल डॉट पी एच पी का पेज है। सर माइक बंद कर देंगे, पीछे से डिस्टॉर्शन की आवाज़ आ रही है और सही है, थैंक यू। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल डॉट पी एच पी का पेज है, इसी तरीके से जो हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है हम इसको लिंक को सही कर देंगे। तमाम जितने भी हमारे लिंक्स हैं वो पी एच पी में कन्वर्ट होगा। कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ पर मैंने एच टी एम एल के अंदर गलती से जब वो पेज ओपन हो गया तो उसके अंदर चेंज कर दिया था, हमें इसमें ज़रूरत नहीं है तो लिहाजा हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास जो है हमने इंडेक्स और डैशबोर्ड के पेज का जो है वो रिनेम किया था यहाँ पर, नहीं वो एडमिन वाली टेम्पलेट में किया था। तो यहाँ पर जो हमारे तमाम लिंक्स जो है सही और सही तरीके से ओपन होंगे। अब मैं एक काम ये करता हूँ, जितने भी हमारे एचटीएमएल के पेजेस हैं एक टेम्पलेट का फोल्डर नेम से बनाता हूँ, उसके अंदर जो उन तमाम को मूव ऑन कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स और इसको हम एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट के नाम से और इसके अंदर जो है वो हम मूव ऑन करवा देते हैं एचटीएमएल पेजेस को। अब यहाँ तक जो है वो हमारा डेटाबेस और पीएचपी के तमाम पेजेस जो हैं वो सही हो गए। हम इसको एक मरतबा चेक कर लेते हैं कि हमारी जो टेम्पलेट है वो सही तरीके से वर्क कर रही है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ताकि जो है वो एचटीएमएल पेज अगर लोड हुआ हो बैड पर तो पीएचपी पेज को वो लोड कर लें। होम का पेज देखें, ऊपर इंडेक्स डॉट पी एच पी कॉल हो रहा है, अबाउट डॉट पी एच पी कॉल हो रहा है, सर्विसेस हमारा ये नेविगेशन है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास आवर शेप्स और यहाँ पर ये पूरी नेविगेशन सेट हुई है। नेविगेशन के ऊपर भी हमने चेक करना होता ताकि जो वो हमारे पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। लॉगिन का पेज हमारा सही तरीके से ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा ये रजिस्टर का पेज भी हमारे पास सही तरीके से वर्क कर रहा है और यहाँ पे लिंक भी सही हो चुका है। मेन्यू पर क्लिक करता है मेन्यू आ गया और इसी तरीके से कॉन्टेक्ट अस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज हो। हमारी टेम्पलेट जो है वो कम्प्लीटली फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पी एच पी के अंदर कम्प्लीटली जो है वो उसके एक्सटेंशन सारे सेट हो चुके हैं। अच्छा अब हमने जो इसके अंदर काम करना होगा वो हमें लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होगा। लॉगिन होने के बाद जो है वो हमारा यूज़र डिफाइन होगा और यूज़र जहाँ हमारे दूसरे पेजेस हैं उसके अंदर जहाँ ये लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह जो है वो यूज़र का नेम आ जाएगा। तो ये फिर लॉगिन जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन होने के बाद क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो हमने ये वाला काम करना है और रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, जब रजिस्ट्रेशन होगी फिर देन उसके बाद जो हमारा लॉगिन वाला पार्ट होगा। तो ये काम हमने भी करना है। अच्छा सेकेंड टेम्पलेट जो हमारी एडमिन पैनल की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो वो चेंजेस करी थी लिहाजा यहाँ पर हमें जो है वो दो चेंजेस करवानी है, एक तो डैशबोर्ड की और इंडेक्स की, सॉरी डैशबोर्ड की और लॉगिन पेज की।
तो एडमिन है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने तकरीबन तमाम पेजेस जो है वो पी एच पी के अंदर मूव ऑन कर दिए थे। हम सॉर्ट कर देते हैं टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे जितने भी एच टी एम एल पेजेस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पी एच पी के तमाम पेजेस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। आई थिंक सो टाइपोग्राफी नहीं हुआ, साइन अप नहीं हुआ, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, नहीं प्राइस भी नहीं हुआ, और पोर्टलेट हाँ आई थिंक सो डिफरेंट हुए हैं। ये मेरे ख्याल में बाहर की जो टेम्पलेट है वो इंटरनल ही कॉपी हो गई है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमारा जो ये टेम्पलेट के अंदर पेजेस है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इसके अंदर इंडेक्स रखा है वो हमारा लॉगिन का पेज है, ठीक है। और इधर जो है वो मैं HTML का एक पेज बना लेता हूँ और मूव ऑन करवाता रहूँगा और चेक करते रहेंगे ताकि हमारी जो है वो टेम्पलेट के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक नहीं हो। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंडेक्स के पेज से स्टार्टअप लेना है क्योंकि इंडेक्स का पेज जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है हमारे पास, तो यहाँ पर जो है वो इंडेक्स का पेज ओपन हो रहा है। और इंडेक्स के पेज में अगर हम डिज़ाइन पर यहाँ पर क्लिक कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेज जो है वो ये वाला है। और लॉगिन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर पेज के अंदर कोई ऐसा लिंक नहीं है जिसे हमें चेंज करना हो, यहाँ तक तमाम ओके है, तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। और इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा जो इंडेक्स का पेज है HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जो है हम मूव ऑन कर देंगे HTML के अंदर। तो इस तरीके से जो हमारे जितने जो जो पेजेस चेक होते जाएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम उनको मूव ऑन करवाते जाएंगे। अब इंडेक्स के बाद हमारा आता है डैशबोर्ड का पेज। सबसे पहले जो है वो डैशबोर्ड ओपन होता है, तो डैशबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे अगर एडमिन पैनल की टेम्पलेट लोड होगी तो ये सही होगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं dashboard.php लिख के, DASHBOARD होता है तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारी जो एडमिन टेम्पलेट है वो सही तरीके से लोड हो गई है, ठीक है। तो अब इसको भी एक्सटेंशन हमारा ये ओके, और इसकी जो HTML हमने बनाई थी उसको जो है वो हम इंटरनली सेंड कर देते हैं फोल्डर के अंदर dashboard.html फाइल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि जो हमारा लॉगिन का लिंक है वो हमारा जो है इंडेक्स। अब यहाँ पर हम सर्च करवाएंगे कि जितने भी एक्सटेंशन हैं सबसे पहले तो वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो तमाम जितने भी हैं वो PHP के अंदर हो गए। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर चेक करना है हर टेम्पलेट के अंदर कि जो हमारा लॉगिन है .php हो गया, पहले HTML था, क्या वो एग्जिस्ट करता होगा, बिल्कुल ठीक है करता है। तो अब ये जो हमारा ये वाला जो पेज है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इंडेक्स का हो जाएगा और लिखा रहेगा लॉगिन, ठीक है। तो इसी तरीके से साइन अप है तो हमारा जो है वो साइन अप रहेगा क्योंकि एडमिन पैनल जो होता है उसके अंदर कोई व्यू नहीं होता, फ्रंट एंड नहीं होता, डायरेक्ट एडमिन पैनल में जो पहला हमारा पेज होता है वो उससे लॉगिन हुआ जाता है। तो हम पहला पेज जो है वो अपना लॉगिन का रखेंगे और लॉगिन का जो होगा वो इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लॉगिन का पेज था अब ये हमारा इंडेक्स का पेज बन चुका है। तो अब ये हमें हर जगह से सही करना होगा और हर जगह जो हमें PHP लगाना होगा और जो हमारा इंडेक्स का पेज था अब उसको हमने जो है वो चेंज करके क्या कर देना, डैशबोर्ड देख लेते हैं इसके अंदर है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा पेज है इंडेक्स .php हो चुका है, फाइंड कर लेते हैं उसको। इसी तरीके से हमारा जो है वो यहाँ पर इंडेक्स भी है। तो अब ये हमारा जो वो लॉगिन का पेज है ये वही इंडेक्स है बस। तो अगर दूसरा इंडेक्स .php होता दूसरे लिंक से तो इट मीन दैट कि वो डैशबोर्ड का पेज होता है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा डैशबोर्ड का सेकंड पेज भी, इसके लिंक्स भी सही हो गए। अब हम इसको जो है वो प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं
रिफ्रेश करेंगे एक मरतबा और डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड ही पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जो वो भी पहला पेज सही है। अब इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पेजेस हैं जैसे लॉगिन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये दूसरा पेज टेस्ट भी हो गया। अब हम तीसरे पेज की तरफ चलेंगे, कोई न्यू पेज ले लेते हैं। 404 एरर के लिए होता है। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं पहले कि इसका रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से जब हमारे पास एरर पेज बना हुआ 404 का कस्टमाइज, तो अब इसके अंदर हम जो है वो इसका HTML वाला पेज जो है वो HTML में मूव ऑन करवा देते हैं। ठीक है, HTML का फोल्डर ये, और यहाँ पर जो है अब हम इसको चेक कर लेंगे। कंट्रोल F, सबसे पहले यहाँ पर वही चीज़ होनी चाहिए हमारे पास के जितने भी डॉट HTML हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कन्वर्ट हो जाए PHP के अंदर, रिप्लेस हो। यहाँ पर कोई लिंक नहीं यूज होगा, सही है, और छोटा सा ही पेज है तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा जो 404 का पेज जो है वो बाय डिफॉल्ट रेडी है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की फर्दर मोर चेंजेस नहीं करनी हमने। 404.php हमारा सही तरीके से लोड हो रहा था, हमने उसको चेक कर लिया था अभी। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है ब्लैंक का। ब्लैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि blank.html कैसे शो हो रहा है। blank.html ब्लैंक पेज इस तरीके से हमारे पास शो होगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ब्लैंक पेज को हम कर लेते हैं। फिर भी अगर हमें कोई सिंपल पेज बनाना हुआ उसके अंदर से हम इस टेक्स्ट को हटा देंगे और फिर उसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं, तो बना लेते हैं हम इसको और फिर हमारी आसानी हो जाएगी। तो इसको ब्लैंक को हम खुलवाएंगे HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रीमवीवर में, उसको सेव एस करवा के .php में सेव करवा देते हैं। सेव एस, और इसको हम करवा देंगे PHP में यहाँ पर सेव, तो ये हमारा PHP का पेज बन जाएगा। ये सेव करवा दिया हमने और अब हम इसको ओपन कर लेते हैं blank.php के पेज को, और ये हमारा ओपन हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर वही सिमिलर इसी तरीके से तमाम जितने भी लिंक्स हैं HTML वाले वो PHP के अंदर चेंज हो जाएं ताकि हमारे पास जो है वो सही तरीके से इसका रिजल्ट शो हो सके। और इसको भी हमने सेव कर लिया और अब यहाँ पर भी हमने वही काम करना है कि कंट्रोल F, जो हमारे पास इंडेक्स index.php अब हो चुका है वो हमें जो है शो हो सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था, हम इसको सबसे पहले कर देंगे डैशबोर्ड। अच्छा, अब शॉपी के लिंक पर क्लिक करो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है वो इंडेक्स फाइल नहीं डैशबोर्ड हो DASHBOARD डैशबोर्ड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरे लिंक पर भी हम इसको जाकर सही कर देते हैं .php, ये सेव हो गया। अब इसी तरीके से जो है वो जो हमारा अभी लॉगिन का पेज है login .php हो चुका है, यहाँ पर भी जो है वो अब क्या हो जाएगा इंडेक्स का पेज बन जाएगा क्योंकि लॉगिन हमने इंडेक्स बना दिया। तो तमाम पेजेस से जो है वो हमने तमाम चीज़ें सेट करनी है, तो ये हमारा जो है वो तीसरा पेज रेडी हो गया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके बाद जो है फिर हम इसको अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज करते रहेंगे। अब अभी हम फिलहाल इसको यहीं तक इतना रखते हैं और हम फ्रंट एंड पे चल के जब अपना रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का पेज जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है,
ताकि जो है हमारा आज के लेक्चर के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर हो सकें और फिर हम अपनी टेम्पलेट को रेडी करने के बाद फिर एडमिन पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो हम अपना लॉगिन पेज बना लेंगे और एडमिन का जो डेटाबेस है वो भी हमारा चलता रहेगा एक साथ और जो फ्रंट एंड है। अब हमारे जो सिनेरियो इस तरीके से होंगे कि सबसे पहले जब हम एडमिन पैनल रेडी करते हैं, सबसे पहले जो वो एडमिन पैनल सिनेरियो जो है वो रेडी किया जाता है, उसके अंदर कट ऑपरेशन लगाए जाते हैं, देन जो वो फिर उसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करवाया जाता है। फ्रंट एंड हमारा जो है वो लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेडी हो जाएगा, फिर हमारा एडमिन पैनल वाला पार्ट आएगा। एडमिन पैनल में फिर हम अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट को देखेंगे और फिर उसके अंदर जो हमें ई कॉमर्स अप्लाई करना, ई कॉमर्स को अप्लाई करने के बाद और फिर जो है वो फ्रंट एंड पर इंटीग्रेट करवाएंगे। इस तरीके से जो हमारा प्रोजेक्ट का सिनेरियो सही तरीके से फॉलो हो सकेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमने इसको बंद कर देना, फ्रंट पर जो हमारे इंडेक्स और लॉगिन का पेज है उसको जो है वो हमने देखना है। एडमिन पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन पेजेस जो हमने रेडी कर लिए, इंडेक्स, डैशबोर्ड और ब्लैंक का पेज। हम इनके अलावा जो है फिर नेक्स्ट फर्दर मोर जब हमारे ये दो सिनेरियो कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इसको टाइम मिलेगा एंड में तो उसको जो है वो हम इस तरीके से चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो मैं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को जो है वो रेडी करने जा रहा हूँ। अच्छा, लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट होगा तो फिर जो है वो लॉगिन आसानी से हो जाता है। तो हमारा जो है वो हम फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप रेज योर हैंड कर सकते हैं और फिर मैं जो आपको इसका आंसर आसानी से दे दूँगा। यहाँ तक जो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पेज है हमारा, पेजेस के अंदर रजिस्टर। अब एक यूज़र आता है, यूज़र सबसे पहले जो है वो रजिस्टर होगा वेबसाइट में और फिर उसके बाद वो ऑर्डर कर सकेगा और ऑर्डर तभी कर सकेगा जब वो कोई चीज़ सेलेक्ट करेगा और देन जो है फिर उससे लॉगिन वाला पार्ट जो है वो एक्सेस होगा और फिर उसके बाद जो वो पेमेंट वाला पार्ट एक्सेस होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर डॉट पी एच पी का पेज है इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, रजिस्टर डॉट पी एच पी। ठीक है, डेटाबेस हम ओपन कर लेते हैं कि हमने जो है वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगिन वाला पार्ट जो था वो बनाया था। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट हमने दो रोल रखने, इसके अंदर हमने रोल ऐड नहीं किया था एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम एडमिन पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अलग टेबल बना देंगे तो फिर उसमें वो एडमिन और एडमिन से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट का पार्ट होगा वो उस टेबल के अंदर आ सकेंगे। तो लिहाजा हम चाहें तो एक पर भी काम हो सकता है और हम चाहें तो दो सेपरेट टेबल भी बना सकते हैं, लिहाजा मैं इसको फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बनाना पसंद करूँगा। यहाँ पर जो है हमारे पास फील्ड, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है। एक, दो, तीन, तीन फील्ड हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड, पिक्चर और स्टेटस। तो अब इसके अंदर जो है वो अगर फर्दर मोर आगे जाकर हम प्रोफाइल को मैनेज करते हैं तो फिर हम उसकी पिक्चर भी जो है वो इसके अंदर एडअप करवा सकते हैं, लिहाजा भी जो है वो हमें तीन चीज़ों को देखना। यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो सबसे पहले हम अपना कनेक्शन बनाते हैं। अच्छा, कनेक्शन बनाने के लिए जो मैं बिल्कुल सेपरेट फाइल जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग की बनाऊंगा और फिर उसको जो है इसके अंदर इंक्लूड करवाता रहूंगा तो हर जगह वो क्या होती रहेगी, इंक्लूड होती रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग हो वो एडमिन पैनल में यहां पर कनेक्शन का एक फोल्डर है इसके अंदर जो है वो बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेरा कनेक्शन, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो बाय डिफॉल्ट प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आई थिंक फाइल पड़ी हुई मेरी, मैंने पूरे का पूरा फोल्डर उठा के ऊपर के सिस्टम से यहाँ पर कॉपी कर दी। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारा डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ है टेस्टी बर्गर के नाम से। सही है, लोकल होस्ट आ जाएगा, रूट आ जाएगा, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर डेटाबेस का नेम आ जाएगा और डेटाबेस का नेम की स्पेल है हमारे TSTYBURGR
इसको मैंने सेव कर लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारे रेडी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो उसको लिंक प्रोवाइड करना है, और इसको हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। हम इसको टॉप के ऊपर ही जो है वो चेक कर लेते हैं। पीएचपी स्टार्ट करिए हमने इस तरीके से, जो यहाँ पर क्लोज करें, और सबसे पहले जो है वो हम इंक्लूड अंडरस्कोर वंस यूज़ करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको पहले डिटेल्स अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि इंक्लूड जो होता है वो और इंक्लूड वंस में क्या डिफरेंस है, इसी तरीके से रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड वन के अंदर क्या डिफरेंस है। इंक्लूड जो होता है वो मुसलसल फाइल को टॉप पर अगर हम यूज़ करें इंक्लूड, तो उसके बाद जहाँ कहीं भी कंडीशंस होंगी हमारे पास, कंडीशन के अंदर स्कोप के अंदर अगर कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो है वो कनेक्शन फिर कॉल नहीं होता, तो फिर हम उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। तो उस स्कोप के अंदर, इफ़ की कंडीशन के स्कोप के अंदर जो है फिर हमारा इंक्लूड अंडरस्कोर वंस काम करता है, वो एक मरतबा कॉल हो जाता है। और इंटरनल फंक्शनलिटी के अंदर अगर हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी चीज़ को कनेक्ट करवाना है तो इंक्लूड अंडरस्कोर वंस जो है वो इंटरनली कॉल करवाया जाता है। और इंक्लूड यहाँ पर अगर हम टॉप पर लिख देंगे तो बाज़ दफ़ा जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लिहाजा मैं कोशिश ये करता हूँ कि इंक्लूड अंडरस्कोर वंस को यूज़ करें, ताकि जब हमारा डेटाबेस कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सी भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। इंक्लूड अंडरस्कोर वंस और यहाँ पर जो हमारे राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर सिंगल कोटेशन, और इसके अंदर जब हम अपना फोल्डर का पाथ डिफाइन कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जहाँ पर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है इसके अंदर हमारा एडमिन का फोल्डर है, और एडमिन के फोल्डर में हमारा जो है वो कनेक्शन का फोल्डर है, टेस्टी बर्गर के अंदर हम देख लेते हैं। टेस्टी बर्गर के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर कॉन, और कॉन के अंदर कॉन डॉट पी एच पी की फाइल है। एडमिन, एडमिन के अंदर कॉन, और कॉन के अंदर जो है वो कॉन डॉट पी एच पी की फाइल है, सही। इसको मैंने सेव करवाया। सेव करवाने के बाद मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को चेक करना चाहूँ तो वार अंडरस्कोर डम भी यूज़ कर सकते हैं, और पी आर आई एन टी प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसके अंदर जो है वो हम डॉलर कॉन आगे इंटेलिजेंस में आगे इट मीन्स दैट के कॉल हो रहे हैं, सही। तो इसको हमने सेव करवाया, और सेव करवाने के बाद जो है वो रजिस्टर के पेज के ऊपर रिफ्रेश कर देंगे, हमारे पास ये टॉप के ऊपर यहाँ पर शो गया इट मीन्स दैट के जो है वो हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं ये काम करूँगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग बन गए, और अब हमारे जो है वो कॉलम है और इंसर्ट वाला काम होगा। ठीक है, तो MySQL अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, अब क्यूरी का फंक्शन यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है कि फॉर्म यहाँ पर जो है वो यूज़ हुआ हुआ है या नहीं यूज़ हुआ हुआ। अगर फॉर्म यूज़ नहीं हुआ हुआ तो फिर हमें जो है वो तमाम चेंजेस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। बिल्कुल हमारा जो है वो यहाँ पर फॉर्म यूज़ हुआ है, लेकिन फॉर्म का स्टार्टिंग टैग जो है वो हमारा फॉर्म है, हमारा टैग यहाँ पर, और रजिस्ट्रेशन सेवनटीन जीरो फाइव बी और प्लस थ्री बी आई थिंक सो हमारा है, नहीं 1804 भी है ना, और 03 है, सही है, हमारा नहीं है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमारा जहाँ फॉर्म यूज हुआ है यहाँ यूज हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ यूज़ करना चाहें इस डिफ के अंदर, या अगर हम टॉप पर इंसर्ट करवाना चाहें तो टॉप पर हम करवा सकते हैं, दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो है वो नेम स्मॉल के अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं इंडेक्स नेम के अंदर, फिर हमें जो है कैपिटल लिखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पर जो है वो नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल कर रहा हूँ। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो कमेंट है,
अच्छा, हमने कमेंट यूज़ नहीं किया, हमें कमेंट की ज़रूरत है। रजिस्टर के पेज पर ही हम, यहाँ तो कमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, और यहाँ रजिस्टर का ही पेज है, बिल्कुल रजिस्टर का ही पेज है। अच्छा, टैक्स एरिया, नेम फोन ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये नीचे वाला फॉर्म का पार्ट है, हमें रिक्वेस्ट इनफो इन्फॉर्मेशन फॉर रिक्वेस्ट, हम इसको रख लेते हैं अभी फिलहाल, हम दूसरे फॉर्म की तरफ क्या वो देखते हैं। ये नीचे वाला फॉर्म है, ठीक है। बहरहाल हमने इसका जो नेम है वो हमने सही कर दिया, हमारा जो ऊपर टॉप के ऊपर फॉर्म है, फॉर्म ये रहा, हम इधर जो है वो इसको सही कर लेते हैं। नेम सही है, ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी सही है, और यहाँ पर सबमिट भी सही है। तो अब यहाँ पर जो हमारा इस स्विफ्ट के अंदर, हम अपनी आसानी के लिए जो है इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो है वो इंसर्ट के लिए जो है वो हमारा माई एस क्यू आई अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन यूज होता है, माई एस क्यू आई अंडरस्कोर क्यूरी। और ये कहता है कि भाई दो पैरामीटर इसमें से पास होंगे, पहला तो होगा डॉलर कॉन, और दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो होता है क्यूरी का वेरिएबल। तो क्यूरी जो है वो हम सबसे पहले जनरेट करवाएंगे, QUERY, और इस तरीके से जो है यहाँ पर हम क्यूरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, फॉर्म से जब मेथड हमारा पोस्ट लगा हुआ, और यहाँ पर जो है हमारा एक्शन है, एक्शन के अंदर हम REGIST या register.php, या अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो वो इसी पेज के ऊपर अपने करेक्शन स्ट्रिंग की जो वैल्यूज हैं उनको भेजता है, ठीक है। तो जब ये पोस्ट हो गया तो उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा जो है वो $_request उसी तरीके से यूज होगा जैसे हम यूज़ करते हैं। इसको अगर हम इफ़ की कंडीशन के अंदर रख दें तो बेस्ट रहेगा, हमारे पास किसी किस्म की जो एक्सेप्शंस हैं, मैसेजेस हमें नहीं आएंगे, वार्निंग्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस सेट, ठीक है, और $_request, और रिक्वेस्ट के अंदर हमारा जो सबमिट बटन का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे सबमिट बटन का नेम नहीं लिखा हुआ, सबमिट बटन की टाइप तो सबमिट है लेकिन इसका जो नेम है वो नहीं लिखा हुआ। तो इसका नेम जो है वो मैं सबमिट कर देता हूँ, SUBMIT सबमिट, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसका जो नेम है, इस नेम का जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यही बटन तो हमारा होगा जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सबमिट होगा, और सबमिट होने के बाद इसका जो डाटा है पोस्ट के ज़रिए वो यहाँ पर आएगा। तो अब हमारे पास है 1, 2, 3, 3 और 4, चार जो है वो हमने इसके अंदर इंडेक्सेस को कॉल करवाना, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला है वो है नेम, हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं और आसानी से इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इसी का जो है वो हम वेरिएबल बना लेते हैं और इसी को हम असाइन कर देते हैं वैल्यू। इसके बाद फिर हमारे पास है ईमेल को हमने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है, और इसी तरीके से जो है हमने इसको वेरिएबल बना के वैल्यू भी असाइन कर दी। पासवर्ड पास कर देते हैं और कंफर्म पासवर्ड जो है वो सही रहेगा, पास और CONFIRM कंफर्म अंडरस्कोर पास कर देते हैं तो सही रहेगा। हाँ इब्राहिम, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछें। अच्छा, जज़ाकअल्लाह, आप आ गए, बहुत जल्दी आ गए सर। तो अभी अटेंडेंस लेके जो है वो जा चुके हैं, और सर जो है वो खुद मीटिंग अटेंड करेंगे। तो हाँ, अब ये जो है मैं इसके अंदर वो कर दूंगा ना, आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। कौन कौन आया है? सिर्फ इब्राहिम है ना? अच्छा, इब्राहिम हमारे पास यहाँ पर हैं, ये रहे, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी तक की जो है वो, आप लोगों की स्क्रीनशॉट भी मेरे पास सेव हो गई, तो मैं सर को फॉलोअप करके भेज दूँगा कि बैंक बात में आए थे, ठीक है। अच्छा, और हमारा जो लेक्चर है वो मॉनिटर भी हो रहा है,
ठीक है, तो लेक्चर भी सुनते हैं सर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी सही चलनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब यहाँ पर जब हमारा कंफर्म पासवर्ड है, ठीक है, इसको हम कंफर्म पासवर्ड को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो है पास था, सॉरी कंफर्म पासवर्ड हमारा नीचे आ जाएगा, कंट्रोल वी करते तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसी का ही मैं वेरिएबल बना देता हूँ, डॉलर पी ए डबल एस पास इज इक्वल टू डॉलर कंफर्म पास इज इक्वल टू। अब हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। अभी मैं इसको कमेंट इस वजह से यहाँ पर कर दूंगा क्योंकि फंक्शन जो है वो फ़ौरन एरर जनरेट कर देगा, लिहाजा भी मैं जो है वो वैल्यूज़ को देखना चाहूँगा यहाँ पर कि मेरी जो फॉर्म से वैल्यू जाएंगी वो यहाँ पर जो शो होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉलर नेम, सही है, और इधर मैं लगा देता हूँ बी आर, ताकि जो है मुझे अपने फॉर्म की वैल्यू हर सेपरेट लाइन के ऊपर शो हो सके। इसी तरीके से जो है वो हमारा ईमेल आ जाएगा, ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ईमेल। हमारी मीटिंग जो है वो भी एक मिनट रह गया क्लोज़ होने वाली है, तो यहाँ तक जो है मैं इसको सेव करूँगा और फिर अगली मीटिंग में आप लोगों को कॉल अप लेता हूँ और फिर हम इसको जो है वो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हमारी मीटिंग जो है वो ऐड हो गई, एंड हो गई है, सही है। तो यहाँ तक जो है मैं इसको पहले सेव करवा दूँ, और सेव करवाने के बाद अब मैं मीटिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट।